आज कक्षा 6 के छात्र छात्राओं को हिंदी व्याकरण पाठ 1 के अंतर्गत भाषा तथा भाषा के प्रकार या भेदों के बारे में बताया जाएगा। जैसा कि हम जानते हैं, अपने विचारों एवं भावों को दूसरों तक पहुंचाने के लिए और दूसरे के भावों विचारों को अपने तक पहुंचने के लिए जिस माध्यम का प्रयोग किया जाता है उसे भाषा कहते हैं। भाषा की परिभाषा समझने के बाद भाषा के प्रकार इनके बारे में समझेंगे, जिसमें पहला है मौखिक भाषा। ये भाषा का वो रूप है जिसमें अपने विचार बोलकर तथा दूसरों के विचारों को सुनकर समझा जाता है। उदाहरण के रूप में इस किताब में एक सेल्समैन दिखाया गया है जो बोल करके, सेल्स एजेंट जो है वो अपने प्रोडक्ट या जिसके बारे में बता रहा है। इसी के अंतर्गत दूसरा प्रकार जो है लिखित भाषा है, वो भाषा का रूप है जिसमें विचारों को लिपि के माध्यम से लिखकर व्यक्त किया जाता है। एक यहाँ पे चित्र दिखाया गया है जिसमें ये लड़की जो है कुछ लिख रही है, तो ये जो है लिखित भाषा का संकेत है। इस प्रकार लिखित भाषा को समझा जा सकता है। तीसरा प्रकार जो है सांकेतिक भाषा है, ये वो भाषा का रूप है जिसमें विचारों को इशारे अथवा संकेत के द्वारा प्रकट किया जाता है। इसका दायरा भी सीमित होता है, जैसा कि इस चित्र में दिखाया जा रहा है कि बैट्समैन के छक्का लगाने की जानकारी अंपायर संकेतों के माध्यम से प्रकट कर रहा है। क्रिकेट के मैदान में अंपायर रनों की जानकारी संकेतों के माध्यम से देता है, ऐसा दिखाया गया है। इस प्रकार भाषा के मुख्य तीन प्रकार होते हैं जो चित्रों के माध्यम से आप लोगों को बताया गया, समझाया गया। इसे अच्छे से तैयार करना है। आज के टॉपिक में कक्षा 6 के छात्र छात्राओं के लिए इतना पर्याप्त है। ओके।